अभिनेत्री रेखा के जन्म दिवस पर उनके प्रशंसकों की सूची में शामिल रेखा द दीवा नामक संस्था के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचकर केक काटा और बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी स्थित मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी के प्रांगण में सुबह 11 बजे से रेखा द दीवा संस्था द्वारा पुरस्कार वितरण का आयोजन संपन्न हुआ। गौरतलब है कि ये संस्था पिछले 15 वर्षों से मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निरंतर कार्यरत है और हर वर्ष अपनी आदर्श महान अदाकारा रेखा का जन्मदिन उनके फिल्मी सफर को अलग ही अंदाज में मनाती आ रही है। संस्था की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की संस्था मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी को उनके प्रशंसनीय कार्य के लिए रेखा द दीवा टीम ने मनोविकास संस्था के संस्थापक इंदिरा आलोक और उनके दिव्यांग बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ साथ समाज सेवी कार्यों से जुड़ी अन्य महिलाओं को भी नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा। रेखा द दीवा की प्रमुख ऋषभ और अमित शर्मा ने अपनी संस्था का उद्देश्य और गतिविधियों का ब्यौरा देते हुए मनोविकास संस्था के नेक प्रयास को अनुकरणीय उदाहरण बताया। बहुत लंबे समय के बाद आज हम अपने सभी बच्चों से फेस टू फेस मिल रहे हैं। अभी तक 1.5 साल तक हम लोग ऑनलाइन मिलते थे, बहुत ही रेयर इन लोगों से इस तरह मिलना हुआ था। लेकिन थैंक यू अमित जी और अमित जी की टीम, तो आपकी मदद से आज हम लोग बच्चे वापस मिल सके। कुछ ही बच्चों को हमने आज बुलाया और इस कार्यक्रम को देखने का, उसमें शामिल होने के लिए उनको, और उनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, बहुत दिनों के बाद घर से निकले हैं, मजा आ गया, मम्मी पापा को भी परेशान किया और सब आज अपने अपने घर से निकल के आए हैं इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। और जी इस लेजेंड के बारे में क्या कहना है, अपने आप में खूबसूरती की मिसाल है मैडम।